हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा लास्ट वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा जो मैंने पोस्ट किया था एमएमटीसी लिमिटेड का, जिसमें वैकेंसी थी मार्केटिंग फाइनेंस राजभाषा लॉ से रिलेटेड, जिसमें फाइनेंस अकाउंट्स के डिप्टी मैनेजर की वैकेंसी थी, जो 10 पोस्ट थी CA ICWA बेसिस पे थी। तो आपने उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर जाके आपने अप्लाई किया होगा और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ऐसे ही मैं एक और वैकेंसी लेके आया हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिसका पेपर मेरे पास अवेलेबल है और मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कैसे आप उसको पा सकते हैं, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम खुद दिया था तो इसलिए मेरे पास पेपर अवेलेबल हैं। और आपको जानने के लिए पूरा वीडियो देखना होगा और लास्ट में मैं बता दूंगा कैसे आपको वो पेपर प्रीवियस ईयर के मिलेंगे। तो ये जो वैकेंसी मैं लेके आया हूँ ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिसमें दो तरह की पोस्ट आई हैं, फर्स्ट मैनेजर, दूसरा जूनियर एग्जीक्यूटिव। और भी इसमें पोस्टें हैं जो अदर कोर्सेज से हैं, बट मैं अभी दो कोर्स की बात करूंगा जिसमें जो है CA and ICWA, इनसे रिलेटेड जो वैकेंसी है उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। यहां पे निकली हुई है जो वैकेंसी, एक मैनेजर फाइनेंस की निकली है, जूनियर एग्जीक्यूटिव पे निकली है। इसमें भी सेम आपका स्केल है जो MMTC लिमिटेड में था, बस पोस्ट डेजिग्नेशन जो है वो चेंज है। वहाँ पर डेजिग्नेशन डिप्टी मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स है, यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस नाम रखा गया, बट पेमेंट दोनों जगह सेम है। तो आप वहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये वैकेंसी उससे पहले आई थी बट काफ़ी लोगों ने फीड कर रखा होगा, बट मैं फिर से बता देता हूँ, कुछ लोग छूट गए होंगे तो वो जाके फीड कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताता हूँ मैं, यहाँ पे फर्स्ट जो है वो है मैनेजर फाइनेंस, जिसमें कि BCom भी CA ICWA और MBA फुल टाइम मांगा हुआ है, और MBA आपकी फाइनेंस से जो आपका कोर होगा वो फाइनेंस होना चाहिए। और इन दोनों कोर्स में आपकी जो लाइक ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में आपके 60% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैनेजर फाइनेंस के लिए CA ICWA MBA फाइनेंस विथ 60% BCom एंड PG, और एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है वो 5 साल का मिनिमम है, तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे टोटल जो पोस्ट दी गई है वो 18 है, 16 प्लस 2 16, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए बाइफर्केट किया हुआ जो आप देख सकते हैं, और दो पोस्ट जो है वो PWD के लिए रिजर्व रखी गई। और चलिए मैं दूसरी वैकेंसी की फटाफट से बात करता हूँ, वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, जो पोस्ट कोड है वो 11 है। तो आप 11 में जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। यहाँ पे भी सेम आपकी क्वालिफिकेशन होगी, BCom CA ICWA विथ लिखा है, मतलब आपका BCom की डिग्री होनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए, देन यू कैन अप्लाई, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई इन दिस पोस्ट। एंड यहाँ पे डिफरेंट जो है मैनेजर, उसमें वहाँ 5 साल एक्सपीरियंस मांगे, यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ पे पोस्ट भी यहाँ काफ़ी अच्छी खासी, MMTC में 10 पोस्ट हैं, यहाँ पे 25 हैं, और यहाँ पे 24 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए, 1 फॉर PWD। सो ये दो क्वालिफिकेशन हैं। और यहाँ पे डिफरेंट मार्केटिंग के लिए भी है, MBA मार्केटिंग जिसने किया है, HR किया है, आपने अगर डिप्लोमा है, आपके ITI है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, और भी BSc BTech टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो आप उनको ये फॉरवर्ड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके लिए भी निकली हुई है, तो वो भी फिल कर सकते हैं इसको जाके। फिर आइए मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको यहाँ पे जो पेमेंट है और लास्ट क्या है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि जो मैंने बताया था कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 60% मार्क्स PG and UG दोनों में चाहिए, और CA ICWA ओनली क्वालिफाइड चाहिए, तो ये क्वालिफिकेशन है। डेट्स जो दी गई है, जैसे मैंने बोला पहले ही आ चुकी है, 16 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 16 अगस्त को ये ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 18 है, क्योंकि आप जब रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको 24 घंटे के बाद पेमेंट करनी है, इसलिए 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। और स्केल की जो मैंने बात की थी, जैसे मैनेजर के लिए 60,000 रखी गई है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के 40,000। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है और डिप्टी मैनेजर इन MMTC में जो था वो सेम स्केल है। यहाँ पे जो पर्क्स की बात की गई है 35% बेसिक पे है, HRA है, ग्रेजुएटी, जो अदर बेनिफिट है सारे में मिलते हैं हर POC में, वो यहाँ पे अवेलेबल है। आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में ये दिया गया है कि आपको कैसे क्या अप्लाई करना है, क्या होनी चाहिए, सर्टिफिकेट्स आपके पास कौन कौन होनी चाहिए, आप जो अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले आपकी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पे एज लिमिट जो बताई गई है मैनेजर के लिए 32 ईयर्स है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 ईयर्स। ये जो एज मैक्सिमम दी गई है ये आपका विदाउट रिलैक्सेशन है, अगर आपके पास
ओबीसी है तो 3 साल, पीडब्ल्यूडी है तो 10 साल, एससीएसटी है तो 7 साल, 5 साल, ऐसे करके रिलैक्सेशन है, आप वो क्लेम कर सकते हैं आपके पास अगर सर्टिफिकेट है अवेलेबल है तो ही करिए, अदरवाइज़ आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इनका सिलेक्शन प्रोसेस वही है, आपको अप्लाई करना है, आपका एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फाइनेंस काउंसिल में बता देता हूँ कि लास्ट टाइम पे क्या था, 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, उसमें 100 जो मार्क्स थे वो आपके कोर्स से रिलेटेड थे, और 150 थे उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, ये 5 सेक्शन थे, 10, 5, 12 ऐसे करके 50 नंबर के, और आपको माइनस मार्किंग भी था इस टाइम का, तो अभी इसमें कुछ लिखा नहीं है, वैसे मैं पढ़ के बता दूंगा बाकी जो होंगे एग्ज़ाम्स। तो ये सारी थी यहाँ पे जो आपका फ़ीस है, आपको कितना फ़ीस पे करना है, तो इसे अप्लाई करने के लिए आपको 1000 फीस आप जो कि ऑनलाइन पे कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड जिससे भी करना आप कर दीजिए, और 24 घंटे बाद ही ये पे कर सकते हैं फीस। आपने सपोज़ अभी किया है अप्लाई, तो आप 24 घंटे बाद इसको आपका लॉगिन आईडी से आप लॉगिन करिए, वहाँ पे अपीयर हो जाएगा मेक पेमेंट, और आप वहाँ पे जाके पेमेंट इजीली कर सकते हैं। तो ये आप उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन, जैसे ही फिर ट्रांजेक्शन रिफंड नंबर मिलेगा जो ड्यू से रजिस्टर होगा, वो आपको अपने पास रखे रहिए, इन फ्यूचर आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो आप उसको ले सकते हैं। तो ये सारे दोस्तों वैकेंसीज थी, आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं इसमें, जैसे वहाँ पे एमएमटीसी में 5 लॉ, एचआर एंड राजभाषा निकला हुआ था, इसमें भी वो सारी पोस्टें हैं, जो एमबीए देख सकते हैं, यहाँ पे कमर्शियल है, ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग एंड प्लानिंग है, मैनेजमेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेज है जो वहाँ पे डिप्टी मैनेजर राजभाषा लिखा था, यहाँ पे 3 साल मांगा है शायद, यहाँ पे 2 साल मांगा हुआ है। बाकी जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है, मैनेजर्स के लिए 5 साल मिनिमम है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जाके। तो अगर आपने अप्लाई कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए जो क्वालिफिकेशन को मीट कर रहे हैं, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग अच्छे से गवर्नमेंट में अगर जॉब चाहते हैं वो करना, तो अच्छी जॉब कर सकें और अपना एक्सपीरियंस अच्छा से वहाँ पे जाके अप्लाई करें, और जैसा कि लोग बोलते हैं गवर्नमेंट काम नहीं होता, वहाँ पे वो जाके दिखाएं कि हाँ काम करते हैं, काम होता है। तो मैं इसी के साथ इसको ख़त्म करता हूँ, आप अप्लाई करिए और ऐसी वीडियो के लिए वेट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, मैं नए नए वैकेंसी पोस्ट करते रहूँगा। थैंक यू। और मैं एक बात बता देता हूँ, सॉरी भूल गया, कि पेपर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं फॉरवर्ड कर दूंगा जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल है लास्ट टाइम का। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी प्लीज़ पुट करिए अगर आपको चाहिए पेपर, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको पेपर की तैयारी करनी है। ओके, थैंक यू।